have been learning about the resurrection of our Lord Jesus Christ. और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में शिक्षा ले रहे हैं. And last week we saw that the resurrection has given us a new perspective to live life in abundance before we die on this earth. और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का जो दूसरा दृष्टिकोण, जो एक नया दृष्टिकोण है कि हमें कैसे जीना है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की रोशनी में. Why do we need to emphasize this point? और हमको क्यों इस पे ज्यादा बातचीत करना चाहिए? It's because some people think about the resurrection only as something that is related to the future. और हम इसलिए इसमें शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो है वो केवल ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जी उठना है वो कुछ भविष्य में जो होने वाली बातें उसके अनुसार है. When the Easter celebration fizzles out quickly, और जब ईस्टर का जो सेलिब्रेशन है, त्योहार जब धीरे धीरे खत्म होने लगता है, when we are faced with these challenging circumstances in our daily life, और जब अपनी दिनचर्या में दिन प्रतिदिन की के जीवन में जब हम चुनौतीपूर्ण संघर्षों से निकलते हैं, we are often led to ask this question: Where is Easter and what does it have to do with our lives? तब हम इस सवाल को करने लगते हैं कि ये ईस्टर और जो यीशु का जी उठना है इसका हमारे जीवन में क्या अर्थ है. So what does this Easter that we celebrated couple of weeks ago? तो इसलिए जो त्योहार ईस्टर का भी हमने मनाया कुछ हफ्ते पहले, what does this have to do with us today as we are living our lives here on this earth? तो आज जबकि हम पृथ्वी पर जी रहे हैं तो उसका हमारे इस जीने से क्या मतलब है? We need to find that out from the Word of God. और इसका उत्तर हम परमेश्वर के वचन से पाएंगे. So instead of giving all our attention and all our preaching and all our studying of the scriptures about the future, और इसलिए कि हम अपने ज्यादा समय उसमें ना बिताएं कि भविष्य में क्या होगा, I believe that the resurrection power of the Lord Jesus Christ, मैं विश्वास करता हूं कि जो पुनरुत्थित सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की है, is ours right now here on this earth. Amen. वो हमारी आज है इसी वक्त पृथ्वी पर जीते हुए. And that's why today we shall be looking at. और इसलिए आज हम देखेंगे how we should be seeing the world in resurrection light. कि हमें इस पृथ्वी पर, इस संसार में रहते हुए हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की रोशनी में दुनिया को देख सकते हैं. Resurrection of Jesus Christ has changed everything for us the believers. और हम जो विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह में, उसने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमारे लिए सब कुछ बदल दिया है. It may not have changed the world around us. हमारे चारों तरफ जो संसार है उसको तो नहीं बदला होगा. But the resurrection gives us. परंतु जो प्रभु यीशु मसीह का जी उठना है वो हमें ये देता है new eyes, नई आँखें, new lens, नए लेंस, to look at the world in the light of the resurrection of Jesus. कि हम उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के सामर्थ में इस दुनिया को देखें. That's why Apostle Paul writes about it quite often in his letters to the churches. इसलिए पौलुस प्रेरित कई बार कलीसियाओं को लिखते हैं वचन में. And today particularly we shall see. और खास तौर से आज हम देखेंगे that he wrote this to Colossians, the church at Colossae. कि ये जो खत उन्होंने कुलुस्से की कलीसिया को लिखा. In his letter to the Colossians. और अपने खत में जो उन्होंने कुलुस्से की कलीसिया को लिखा. Chapter 3 and verses 1 to 11. कुलुस्सियों तीसरा अध्याय 1 से 11 में. Let's read that for us to meditate today on this letter of Paul to the Colossians, chapter 3 verses 1 through 11. तो आइए हम इसको पढ़ें और इस पर मनन करें जो पौलुस प्रेरित हमें कुलुस्सियों 3:1 से 11 में सिखाते हैं. Anybody wants to help us read that? कोई पढ़ना चाहेगा हमारे लिए? Amen. Thank you very much. May the Lord add His blessings to the reading and hearing of His word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे. See, in this chapter 3 of Colossians, कुलुस्सियों के तीसरे अध्याय में, Paul says, so if you have been raised with Christ. पॉलुस बड़े स्पष्ट रीति से कहते हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए. So the very first verse, the very first thing that Paul talks about in his letter to the Colossians in chapter 3. और जो सबसे पहली बात पॉलुस जिस पे ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कुलसियों 3 में, he assumes that the resurrection has indeed taken place. वो इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हो चुका है. He is not questioning the reality of the resurrection of Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की जो वास्तविकता है उसको उसका सवाल नहीं कर रहे. It is because of the resurrection, because he saw the risen Lord Jesus Christ with his own eyes. और क्योंकि उसने स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो जी उठे हैं, जिंदा हुए प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा. That he became a disciple of Jesus Christ. और वो उसके द्वारा यीशु के शिष्य बन गए. Then he became an apostle of Jesus Christ to take the gospel to the to all the earth. और फिर वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित बन गए कि उससे समाचार को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाएं. So it is not a question, it is rather his belief with all his heart that the resurrection of Jesus has taken place. So ये एक सवाल नहीं लेकिन एक वास्तविकता है और उनका संपूर्ण विश्वास और भरोसा है कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हुआ है वास्तविकता में. So he is affirming his faith in the resurrection. और इसलिए वो इसके द्वारा अपने विश्वास को जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का है उसको दोबारा स्थापित कर रहे हैं. And his life has been that of a person who believes in the resurrection. और उनका जीवन इस प्रकार का है कि वो दिखाते हैं कि वो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर. And he not only assumes the reality of resurrection. और वो ना केवल इस बात को मालूम का विश्वास करते हैं, उसको बताते हैं कि यीशु जी उठे हैं. But he also assumed that the people that he was writing to, the believers in Jesus Christ. लेकिन वो अपने लोगों को जिनके लिए वो इस खत को लिख रहे हैं कि वो भी इस बात को माने. Those who have been baptized in the name of Jesus Christ at Colossae. और कुलुस्से की कलीसिया में वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा पाया यीशु के नाम में. They also believe in the reality, in the fact of the resurrection of Jesus. कि वो भी विश्वास करें इस वास्तविकता में, इस सच्चाई में कि यीशु जी उठे हैं. So those who believe in the Lord Jesus Christ. इसलिए जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं. And that he has been risen from the dead. और ये भी कि वो मृतकों में से जी उठे हैं. They should be living the resurrection life right now here on this earth. तो यदि वो इस बात पर विश्वास करते हैं तो उनका जीवन इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें दिखे कि वो यीशु मसीह पर जो जी उठे उस पर विश्वास करते हैं. They must be seeing the world around them with a different light in light of the resurrection. और वे लोग जो यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करते हैं उनका दृष्टिकोण, उनका देखने का तरीका इस दुनिया को फर्क दिखता है. They must experience the power of resurrection in their lives right here on this earth. और इसी वक्त, इसी समय प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को अपने जीवन में अनुभव कर सकें. So if you, my dear friends, believe in Jesus Christ. इसलिए मेरे मित्रों यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर. And if you also believe that resurrection has happened. और यदि आप ये भी विश्वास करते हैं कि यीशु का जी उठना हुआ है. We must also believe in the power of the resurrection of Jesus Christ. तो हमें प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ पर भी विश्वास करना है. And Paul believes, and along with him I believe. और पौलुस ऐसा विश्वास करते हैं और उनके साथ मैं भी ये विश्वास करता हूँ. That this power of the resurrection. कि ये जो पुनरुत्थान की सामर्थ है. Is not something that will be granted to us in the future in eternal life beyond this earth. कि ये जो सामर्थ है ये हमको तब नहीं मिलेगी जब बहुत ही पृथ्वी के बाहर अनंत जीवन के दौरान हमको मिलेगी. But this power is ours right now. Amen. परंतु ये जो सामर्थ है पुनरुत्थान की वो हमारे साथ इसी वक्त है. This resurrection life is ours right now to live on this earth. और ये जो पुनरुत्थान का जीवन है ये हमारा है इसी वक्त जबकि हम यहाँ पृथ्वी पर हैं. And that's why secondly we see in this chapter of chapter 3 of Colossians. इसलिए जो हम दूसरी बात कुलसियों के तीसरे अध्याय से देखते हैं. Paul says that we must be, those who believe in resurrection must be living the resurrection life now. कि जो विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करते हैं उनको ये जीवन ऐसा इसी वक्त इसी जीवन में दिखाना चाहिए। नॉट इन सम अनसर्टेन फ्यूचर, किस कोई ऐसे जो अनसर्टेन हमारा जो भविष्य है उसमें नहीं, बट राइट नाउ हियर वेयर एवर द लॉर्ड हैज प्लेस्ड यू, परंतु यहाँ इसी वक्त जहाँ भी परमेश्वर ने आपको रखा है पृथ्वी पर, लिविंग अ रेजरेक्शन लाइफ एज फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते जो ये जीवन हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा जीते हैं, इज फॉर अस नाउ माय डियर फ्रेंड, मेरे मित्रों ये हमारे लिए अभी के लिए है। And when we do that, और जब हम ऐसा करते हैं, God would use us as His instruments, तो परमेश्वर हमें अपने यंत्र की तरह इस्तेमाल करेगा, for His kingdom, अपने राज्य के लिए, so that other people like us, ताकि दूसरे लोग जो हमारे जैसे हैं, in the world around us, हमारे दुनिया में हमारे आसपास, they will also come to experience the power of the resurrection of Jesus Christ, कि हमारे द्वारा वो भी इस बात को अनुभव करने पाए कि प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे साथ है। So the power of resurrection, इसलिए जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, given to us right now on this earth, जो हमें इस वक्त दी गई है पृथ्वी पर रहते हुए, it can make changes in people's life through us, वो हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। And therefore we must live that resurrection life right now, और इसीलिए हमको ऐसा पुनरुत्थान वाली सामर्थ का जो जीवन है इसी वक्त और अभी जीना है। In chapter 3 of Colossians, कुलस्सियों तीसरे अध्याय में, Paul says that if you have been raised with Christ, पॉलुस कहते हैं यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए, seek the things that are above, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, where Christ is seated at the right hand of God, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। Set your minds on the things that are above, पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Not on the things that are on earth, पृथ्वी पर की बातों पर नहीं। For you have died and your life is hidden with Christ in God, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। So why should we be living this resurrection life now? तो हमें ये पुनरुत्थित जीवन अभी क्यों जीना है? Because we have died with Christ, क्योंकि हम मसीह के साथ मारे गए। Our old life, our old man, as Paul writes often, our old woman, our old nature has been crucified with Jesus Christ, क्योंकि जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसित होने के द्वारा मर गया। So no one goes back and digs out their dead ones, do they? इसलिए कोई जाकर अपने जो शरीर जो गड़ा हुआ है उसको खोदता नहीं है, ऐसा है क्या? So why should we also try to dig out our previous lives, our sinful lives, our unrighteous lives before we believed in Jesus Christ? तो हम भी क्यों वापस अपने उस जीवन को जिसको प्रभु यीशु मसीह के बिना बिताते थे, अधार्मिकता में थे, हम उसको वापस जाके क्यों खोदें? But it should be the newness of life, ये तो नया जीवन होना चाहिए। That's why based on what Paul had written, इसलिए उस पर निर्धारित होते हुए कि जो पॉलुस ने लिखा है, Saint Francis of Assisi, a famous saint, also wrote a prayer, जो प्रसिद्ध एक संत है असिसी, फ्रांसिस ऑफ असिसी, उन्होंने एक प्रार्थना लिखी। And I think we should join in this prayer of Saint Francis of Assisi, और मैं सोचता हूँ हमें भी इस प्रार्थना में जो फ्रांसिस ऑफ असिसी ने की उसमें शामिल हो। This prayer goes like this, और ये प्रार्थना इस प्रकार है, O Lord our Christ, may we have thy mind and thy spirit, हे प्रभु हमारे मसीहा, काश हमारे पास हमारा आपका जैसा मन और आपकी जैसी आत्मा हो। So Lord, make me an instrument of your peace, इसलिए हे प्रभु मुझे ऐसा यंत्र बना के हम तेरे शांति के दूत बन जाएं। And this is right here on this earth, और ऐसा हमको इसी पृथ्वी पर चाहिए। Not somewhere in the future in uncertain ways, और किसी भविष्य की बात में नहीं, किसी अनिर्धारित बात में। Francis continues, और वो आगे कहते हैं, Where there is hatred, let me sow love, और जहाँ पर hatred है वहाँ पे मुझे प्यार बोने दे। Where there is injury, pardon, और जहाँ पर दुख है वहाँ पे क्षमा दे। Where there is doubt, faith, जहाँ पर शक है वहाँ मुझे विश्वास दे। Where there is despair, hope, और जहां तकलीफ है मुझे आशा दे. Where there is darkness, light. जहां अंधकार हो वहां मुझे रोशनी बना. Where there is sadness, joy. और जहां दुख है वहां मुझे खुशी बना. And he continues praying in this prayer. और वो लगातार इसको प्रार्थना करते हैं. Oh divine master, हे स्वर्गीय पिता, grant that I may not so much seek to be consoled as to console. और मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अपनी नहीं लेकिन दूसरों की चिंता में समय बिताऊं. Not to be understood as to understand. और इसलिए ना समझा जाऊं कि दूसरों को समझ पाऊं. Not to be loved as to love. और इसलिए प्यार ना करूं ताकि दूसरे मुझे प्यार करें. For it is in giving that we receive. क्योंकि जो मेरे पास है उसमें मैं देना चाहता हूँ. It is in pardoning that we are pardoned. और तेरी क्षमा के द्वारा हम क्षमा पाते हैं. It is in dying that we are born to eternal life. और जब हम मरते हैं तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं. Amen. 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 What a wonderful prayer. कितनी सुंदर प्रार्थना. So we who are risen with Jesus Christ also had died with him. और इसलिए जो हम प्रभु यीशु मसीह में जी उठे हैं हम भी एक समय में मरे थे. That's why Paul continues this theme in his writings. इसलिए पौलुस लगातार इस शीर्षक को लिखते जाते हैं अपने खतों में. For example, in the same letter of Colossians chapter 2. और उदाहरण के लिए इसी खत में कुलुस्सियों अध्याय 2 में the last part of chapter 2 of Colossians verse 20 onwards और कुलुस्सियों 2 उसकी 20 आयत में लिखा है. Paul says, if with Christ you died, जबकि तुम मसीह के साथ मारे गए. We say, well, Jesus only was crucified on the cross. तो हम कहते हैं केवल यीशु क्रूसित हुए. Along with him two other thieves. उनके साथ दो चोर थे आजू बाजू. No other disciple of Jesus was crucified. उनका कोई दूसरा चेला तो नहीं क्रूसित हुआ. So why does Paul say that if with Christ you died? तो सवाल ऐसा होता है कि पौलुस ने क्यों ऐसा लिखा कि तुम मसीह के साथ मारे गए. Well, he says that because you died to the elemental spirits of the world. क्योंकि इसमें लिखा है कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो. Yeah, the teachings, the beliefs, the righteousness and all that we had of this world, we died to that when we believed in Jesus Christ. तो जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी बातें हैं इस दुनिया की, उसमें हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए. And therefore he asked the question, why do you live as if you still belong to that world to which you have died? और इसी कारण वो सवाल करते हैं, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में तुम अपना जीवन बिताते हो. And then in Romans chapter 6, और फिर रोमियो के 6 अध्याय में, and verse 6 also Paul says, और उसके 6 आयत में पौलुस कहते हैं, we know that our old self was crucified with Jesus Christ. Romans chapter 6 and verse 6. रोमियो 6 उसके 6 में इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें. So this is one of the most astounding assertions that Apostle Paul makes, that we have died, we have been crucified with Jesus Christ. और इसलिए ये जो आयत है ये और भी ज्यादा हमारे लिए निर्धारित करती है इस बात को कि हम मसीह यीशु में क्रूसित किए गए. Whatever happened to Jesus Christ on the cross on the Good Friday, और जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर शुक्रवार के दिन हुआ, in spiritual sense also happened to each one of us who follow him. आत्मिक रूप से वो हमारे साथ भी हुआ जो हम उसका पीछे अनुयायी हैं. It is as though we died with Jesus Christ. वो इस प्रकार से है जैसे हम भी यीशु के साथ मारे गए. Especially our old self, our old man, our old woman, and all its attachments, all its belongings, all its belief died on the cross with Jesus Christ. और इस बात को और भी ज्यादा स्पर्श करते हुए कहते हैं कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, हमारा जो अपना पुराना अधार्मिकता है, वो सब यीशु के साथ क्रूसित हो गई. Therefore we are no longer enslaved to sin as we were before. इसलिए हम शरीर में उस प्रकार से दासत्व में नहीं है पाप के. Sin does not dominate our lives. और पाप जो है वो हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं करता है. We are able to overcome that sin because we have also died with Jesus Christ. और हम उस पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आत्मिक रीति से क्रूसित किए गए. But Paul says further. आगे पॉलुस कहते हैं, we have not only died with Jesus Christ, हम केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ मरे नहीं, but in chapter 3 of Colossians and verse 1 as we just saw, और जैसे अभी हमने कुलुस्सियों 3:1 में देखा, he says that you have been also raised with Christ. उसमें लिखा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए भी गए हो. In Colossians chapter 2 and verse 12 also says, कुलुस्सियों 2:12 में ये भी लिखा है, having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God who raised him from the dead. Amen. कुलुस्सियों 2:12 में इस प्रकार लिखा है, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे. And in Romans chapter 6. और फिर रोमियो 6 में हम देखते हैं, and verse 5, उसकी 5वीं आयत में, he also says, Paul also says in Romans 6:5, पॉलुस कहते हैं रोमियो 6:5 में, for we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. रोमियो 6:5 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे. So my dear friends, through Jesus Christ, इसलिए मेरे मित्रों यीशु के द्वारा, through our belief in him, हमारे भरोसा जो हम उस पर रखते हैं, because we follow Jesus Christ, क्योंकि हम यीशु के पीछे चलते हैं, through his death and resurrection, उसके मृत्यु और उसके जी उठने के द्वारा, we have been transformed, हमारा जो हृदय जो हम पूरी तरह से बदल दिए गए हैं, to live a transformed life, एक परिवर्तित जीवन जीने के लिए, in this world, इस दुनिया में, and forsaking our old righteousness and our old ways, और हमारा जो पुराना जीवन है और जो हमारा अधार्मिक जो जीवन है उसको छोड़कर, we have been given this divine resurrection power, तो हमको ये परमेश्वर की ओर से एक पुनरुत्थान सामर्थ मिली है, that makes us persons of love, जो हमको प्यार करने वाले व्यक्ति बनाता है, that makes us persons full of vibrant life on this earth, जो हमको एक ऐसा जोश वाला जीवन दे देता है इस पृथ्वी पर जीने के लिए. That world may not have changed, दुनिया तो शायद ना बदली होगी, but we have been given this victorious life in Christ to live in this world. लेकिन हमें ये जयवंत जीवन मिला है इस पृथ्वी पर जीने के लिए, because we believe in Jesus Christ, क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, our resurrected Lord, और जो पुनरुत्थित परमेश्वर प्रभु है, we must also believe that he is the victorious one now. तो हमें ये भी विश्वास करना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह विजयी परमेश्वर है, and he leads us, वही हमको ले चलता है, from victory to victory to victory, विजय से विजय की ओर ले जाता है. This is based on our firm belief, और ये हमारी जो एक फर्म विश्वास भरोसा है, that Christ is the most powerful force in this universe after his resurrection, कि प्रभु यीशु मसीह ही एक सबसे सामर्थी एक फोर्स है इस दुनिया में क्योंकि वो जी उठा प्रभु है. And that resurrection power of Jesus Christ, और ये जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की जो सामर्थ है, the most powerful force on the, in this universe, और इस पूरे भूमंडल में जो सबसे सामर्थी फोर्स है, that power is working right here on this earth in and through us, यही सामर्थ जो है मुझ में और आपके द्वारा इस दुनिया में काम कर रही है. And as followers of him, और जबकि हम यीशु के अनुयायी हैं, we are commanded, हमें ये आदेश दिया गया है, to show this power, the resurrection power, कि इस पुनरुत्थित सामर्थ को दिखाएं, to the world, इस दुनिया में, through our life, अपने जीवन के द्वारा, through our ministry, अपनी सेवा के द्वारा. That is why I believe, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, Apostle Paul wrote this, प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार लिखा, in another letter to the Philippians, Philippians और जो दूसरा खत है फिलिपियों का chapter 3 और उसका तीसरा अध्याय and verses 10 to 11 उसकी 10 और 11 आयत This is what Paul writes Apollos इस प्रकार लिखते हैं in Philippians 3:10 to 11 और फिलिपियों के तीसरे अध्याय 10 और 11 में I want to know Christ मैं यीशु को जानूं and the power of his resurrection aur uske mrityunjay ki samarth ko jano and the sharing of his sufferings aur uske dukhon mein sahbhagi by becoming like him in his death taki uski mrityu ki samanta ko if somehow I may also attain the resurrection from the dead ki uske marm ko janu aur uski mrityu ki samanta ko prapt karun ki main bhi kisi riti se mare hue mein se ji uthne ke pad tak That I want to know Christ and the power of His resurrection. कि मैं यीशु को जानूं और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं. Another translation. दूसरा अनुवाद कहता है. Puts it this way. वो इस प्रकार लिखता है. Paul says, "My aim is to know Him, that is Christ." पॉलुस कहते हैं कि मेरा aim ये है कि मैं यीशु को जानूं. And to experience. The power of his resurrection to share in his suffering and to be like him in his death. और मैं प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्युंजय की सामर्थ है उसको समझूं और उसके मर्म को जानूं उसके दुख में सहभागी हूं। Paul has been following Jesus Christ for a long time. अपोलोस जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे काफी समय तक। It was toward the end of his life. और अपने जीवन के अंत के समय में। When he is in prison in Rome. और जब वो रोम की बंदीगृह में है। For the sake of preaching this gospel. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के सुनाने के कारण। From there he is writing these letters to Philippians and to Colossians और वहाँ बंदीगृही होते हुए वो खत लिख रहे हैं कुलुसियों के कलीसिया को फिलिपिन्स के कलीसिया को and even in his old age अपनी बुढ़ापे में because of what he has experienced throughout these many years और क्योंकि उसने ये सब कुछ अनुभव किया अपने जीवन में his longing his desire is to know the power to experience Amen. The power of the resurrection of Jesus Christ uske jo man ki gehri lalsa hai wo ye hai ki wo prabhu yeshu masih ko jane aur uske dukh dard mein sahbhagi uske marm ko jane he knows even though he is facing death और जबकि वो स्वयं मृत्यु का सामना कर रहे हैं he is facing the most powerful empire the Roman empire और वो रोमी साम्राज्य का सामना कर रहे हैं he is almost powerless in front of it और उस साम्राज्य के सामने वो जैसे उनकी कोई सामर्थ नहीं but he believes with all his heart and his mind लेकिन पूरे दिमाग और पूरे हृदय से वो इस बात को विश्वास करते हैं that victory for him has already been won by Jesus Christ in his resurrection के जो प्रभु यीशु मसीह में जो विजय है वो यीशु के जी उठने के द्वारा उसको मिल चुकी है। There is nothing for Paul to fear. और अब पॉलुस के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं कि वो डरे। There is nothing for us to fear in this world if we believe in the resurrection. और हमारे लिए भी किसी बात का भय करने की जरूरत नहीं यदि हम यीशु के जी उठने पर विश्वास करते हैं। Therefore in this world, my dear friends, today. इसलिए मेरे मित्रों इस दुनिया में आज के दिन each one of us हम में से हर एक के लिए the earnest longing of our heart should be to know Christ and the power of his resurrection तो हमारी जो सबसे बड़ी लालसा इच्छा इस दुनिया में होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की सामर्थ को जाने but then Paul closes पर उसके बाद फिर पॉलुस इसको खत्म करते हैं with an answer to what do we do with this power if we pray that we have the power of the resurrection Then what do we do with that? पॉलुस कहते हैं कि यदि हम इस मृत्युंजय के सामर्थ पर विश्वास करते हैं, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? He says in chapter 3 in verses 5 to 10. और कुलुसियों 3 उसके 5 से 10 में वो कहते हैं. If we have this power right now given to us. और यदि ये मृत्युंजय की सामर्थ हमको अभी दी गई है. It gives us power also to live a life that is of Jesus Christ. तो ये हमको ऐसी सामर्थ भी देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे जीवन को जिएं. And how do we live with this Christ? और हम ऐसे इस यीशु के साथ कैसे जीते हैं? This life that He has given us. ये जीवन जो प्रभु ने हमको दिया है. Paul says. पॉलुस कहते हैं. What do we do with this power हम इस सामर्थ से क्या कर सकते हैं he says verse 5 onwards पांचवें आयत से आगे chapter 3 Colossians chapter 3 and verse 5 onwards और कुलुसियों 3:5 से आगे लिखा है Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desires, covetousness, which is idolatry. On account of these, the wrath of God is coming. In these you too once walked when you were living in them, but now you must put them all away. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. और कुलुस्सियों 3:5-10 में इस प्रकार लिखा है, अपने अंगों को इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात वह विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुँह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। Well, these 5 verses are very deep, and I could preach on them for 5 long weeks. और ये जो 5 आयतें हैं ये बहुत ही गहरी हैं, और मैं समझता हूँ इन 5 आयतों को लेकर मैं कम से कम 5 हफ्तों तक इस पर शिक्षा ले सकता हूँ। But the summary of all this is, लेकिन सारांश इन सब बातों का ये है, if you have been raised with Jesus Christ, यदि आप यीशु के साथ जिलाए गए, this is the kind of life that God wants us to live in this world now. तो ये ऐसा जीवन है जो परमेश्वर चाहता कि पृथ्वी पर हम इस समय ऐसे जीवन को बिताएं। We may not have the power to live on our own. हम अपनी सामर्थ, अपनी ताकत के द्वारा तो ऐसा नहीं जी सकते। But that's why Paul's message for us today, Paul's, if he was writing a letter to us today, लेकिन जो पॉलुस ये संदेश कलीसिया को लिख रहे हैं आज, he will say the same thing. वो यही बात को दोबारा हमारे लिए दोहराएंगे। To each one of us, हमें से प्रत्येक के लिए, listening here or later in the on the YouTube, अब अभी या बाद में YouTube पर, we have died with Christ. हम मसीह के साथ मारे गए। We have been raised with Christ. हम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए। We must seek to know Him. और हमें खोजना है कि हम उसको जान पाएं। We must seek to experience the power of resurrection today. और हम इस बात को खोजते रहे कि परमेश्वर की जो मृत्युंजय के सामर्थ है उसको ढूंढ पाएं। We must see the world around us with resurrection eyes. और हमें इस दुनिया को प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय के सामर्थ से देखना है। We must live in this world with the power of His resurrection granted to us right now. और इसी वक्त जब हम पृथ्वी पर हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में इस जीवन को इस दुनिया में रहते हुए जीना है। We must share this new life with others. और ये नया जीवन जो है, इस जीवन को लोगों के साथ बांटना है। This message of Paul, ये जो पॉलुस का संदेश है, is clearly a denial of the doom and gloom message that this world gives us. ये पूरी तरह से उस बात को नकारना है जो ये दुनिया हमको देती है, दुख और दर्द और अंधकार का जीवन। The politicians who make us be afraid of each other because of their doom and gloom days of preaching. और जैसे राजनीतिक लोग जो हैं, जो राजनेता हैं, वो हमको अंधकार की, दुख की, डरावनी बातों से बताते हैं। Instead, Jesus sent us as messengers of the gospel. Amen. उसके बजाय प्रभु यीशु मसीह हमको संदेश देते हैं खुशी के सुसमाचार का। And gospel means good news. और शुभ समाचार का मतलब है अच्छी खबर। Despite what politicians say, और बजाय इसके जो भी हमको राजनेता लोग बोलते हैं, we have the message and the power of the resurrection with us, each one of us, my dear friends. मेरे मित्रों, हमारे पास संदेश है जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ का जीवन है। Therefore, we should be animated by that message. We should be empowered by that message. इसलिए इस संदेश के द्वारा हमें सामर्थी बनना है। And go with that message to others to give them new life in Christ Jesus as well. और इस संदेश को लेकर हमको दूसरों के पास जाना है ताकि वो भी इस नए जीवन को जानने पाए इस दुनिया में। When the doom and gloom threaten us and they swallow our hope, और जब ये दुख और अंधकार की बातें जब हमारे ज़हन में डाल दी जाती हैं, remember that resurrection power gives us a new power to live. Amen. तो आप याद रखें, मृत्युंजय की सामर्थ हमको एक नई सामर्थ देती है. If you haven't experienced that power, may you pray with Paul and Saint Francis of Assisi and all of us that God may reveal and provide you as well with this resurrection power. आमीन. और यदि आपके पास ऐसी सामर्थ नहीं है तो काश आप भी आज भी पौलुस प्रेरित के साथ और सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी के साथ ऐसी सामर्थ को आप प्रार्थना कर सकते हैं. May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे. आइए प्रार्थना करें.